नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो की ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी, ठीक है। इससे पहले एक क्लास और आ चुकी है नंबर ऑफ जीरो की, तो आप पहले उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये वाली क्लास अच्छे से प्रॉपरली बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि फर्स्ट क्लास पर ही सारी चीजें बेसिक डिपेंड रहता है अगली क्लास का, तो आप फर्स्ट क्लास देख लेंगे तभी आपको सेकंड क्लास ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और आपको पता ही है कि ये पूरा टॉपिक हम 4 से 5 क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप अगर फर्स्ट क्लास को देख लेंगे तो अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं फिर से बार बार आपको यही बात कहूंगा, तो प्लीज आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मंत्रा 9.1 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर लें, जिससे आपके पास हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ये आपको हम बता ही चुके हैं पहले ही, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर ही रहेंगे जब तक वीडियो हमारी खत्म होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज लगाइए, इस क्लास का नेक्स्ट पेज लगाइए। बेटा देर क्यों कर रहे हो, बच्चों को लेट हो रहा है। देखिए आज की क्लास में हम क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखो इससे पहले हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड एक्सरसाइज में क्या क्या है देखिए, 10 × 20 × 30 × 40, 10 10 की गैपिंग चल रही है और ये सीरीज जा रही है 1000 तक। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी 10 की गैपिंग चल रही है, 2000 तक सीरीज जा रही है। 10th, 3rd, 4th और 5th, इन सभी क्वेश्चन में 10-10 की ही कैपिंग चल रही है और सीरीज 3,500, 1,500 तक जा रही है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें 100 की सीरीज चल रही है और ये सीरीज 10,000 तक जा रही है और ये सीरीज 1,000 की चल रही है और ये सीरीज 1 लाख तक जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चंस को समझने से पहले एक बेसिक समझेंगे। बेसिक क्या है कि अगर 10 की पावर 1 होगी तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 की पावर 2 होगी तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 10 की पावर 1 मिलेगी तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 की पावर 2 होगी तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। इसी तरह से 10 की पावर 3 होगी तो हमें क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा। 10 की पावर 4 होगी तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा। 10 की पावर 5 होगी तो हमें क्या मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है कि अगर 10 की पावर 1 है तो नंबर ऑफ जीरो कितना मिलेगा, 1 0 मिलेगा, 1 0 मिलेगा। 10 की पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। 10 की पावर 3 होगी तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। 10 की पावर 4 होगी तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 4 होंगे। 10 की पावर 5 होगी तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 5 होंगे। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि जितनी हमारी 10 की पावर होगी उतने ही हमें नंबर ऑफ जीरो मिलते हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 1000, इसमें नंबर ऑफ जीरो हमें निकालने हैं। अब देखिए 10 को हम कैसे लिखते हैं, 10 × 1, 10 × 2, 10 × 3, 10 × 4, इस तरह से सीरीज चलेगी और 10 × 100 तक जाएगी। 1000 में से को ब्रेक करेंगे तो 10 × 100। तो यहां से एक बात समझ में आई कि सब में 10 10 तो मिल ही रहा है और 10 हमें कितने स्टेप्स में मिल रहा है, 100 स्टेप में मिल रहा है। तो हमारा क्या कॉमन चला जाएगा, 10 की पावर 100 कॉमन चला जाएगा, ठीक। अब अंदर सीरीज क्या बचेगी, 1 2 3 4, इसी तरह से 100 तक की सीरीज बची रह गई, ठीक है। तो देखिए 10 की पावर 100 से हमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, 100 0 मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे, क्योंकि अभी अभी तो ये कॉन्सेप्ट सीखा है। अगर पावर 1 होगी तो 1 0, 2 होगी 2, 3 होगी 3, तो 100 होगी तो 100 0। नंबर ऑफ जीरो इससे हमें कितने मिल गए, 100 0 मिल गए। अब बात आती है 1 से लेके 100 तक की सीरीज में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ये तो आपको रट गया होगा। इसमें कितने होते, 24। कैसे निकालेंगे, 5 का डिवाइड हम 100 में देंगे तो 20 आ गया, फिर 5 का डिवाइड 20 में देंगे 4 आ गया, तो 20 + 4 मिला के कितना हो गया, 24। तो टोटल वैल्यू हो गई 100, 20 और 4 मिलाकर कितना हो गया, 1240। तो इस क्वेश्चन में 1, 20, 30, 40 से लेकर 1000 तक की सीरीज में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 124, ठीक है।
बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लें, तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आएंगी हो क्या रहा है, नहीं तो आप यही समझोगे तांडव हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। तो बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए आप ढंग से। ओके चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन सेम सा ही है, 10 की सीरीज चल रही है, 10-10 की गैपिंग से सीरीज चल रही है और हमारी सीरीज जा रही है 2000 तक, ठीक है। तो देखिए वही सेम, तो 10 की पावर 200 तो कॉमन चला जाएगा, ठीक है। 200 तक 10 स्टेप्स हमारे कितने बनेंगे, 200 बनेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर 200 तो कॉमन चला गया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो तो 200 आ गए, और जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 1 से लेके 200 तक, ठीक है। तो 200 में हमने 5 का डिवाइड दिया तो 40 टाइम्स गया, फिर 5 का डिवाइड दिया 8 टाइम्स गया, फिर 5 का डिवाइड दिया 1 टाइम गया, तो 48 और 1 मिला के हो गया 49। तो 200 तो ये हो गए और 49 ये हो गए, तो 249 जीरो आंसर आ गया, 249 नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बात क्लियर है? आज की क्लासेस बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने बहुत अच्छा और बेसिक से बता दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास छोटी ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10, 20, 30, 40, 50 और 3000 तक ये सीरीज चल रही है, ठीक है। सेम पैटर्न, तो 300 स्टेप्स बनेंगे, तो 10 की पावर 300 कॉमन चला गया, तो 300 तो जीरो इसमें मिल गए। अब 1 से लेके 300 तक की ये सीरीज चल रही है, 1 से लेके 300 तक की सीरीज चल रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का डिवाइड 300 में देंगे, तो हमारा 60 टाइम्स गया, फिर 5 का डिवाइड दिया 12 टाइम्स गया, फिर 5 का डिवाइड दिया 2 टाइम्स गया, तो 60 और 12 मिला कितने हो गया, 72 और 2 74, तो 374 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? गॉट इट? ध्यान से एक एक स्टेप, वीडियो की स्पीड स्लो करके आप चीजों को समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 10, 20, 30, 40 यही सेम चल रहा है, 500 तक सीरीज चल रही है, स्टेप्स कितने बनेंगे, 50 स्टेप्स बनेंगे, तो 10 की पावर 50 हमारा कॉमन चला जाएगा, तो 50 स्टेप्स बन गए, तो 50 जीरो हो गए, ठीक है। अब 1 से लेके 50 तक की सीरीज चल रही है, तो 50 में हमने 5 का डिवाइड दिया तो 10, 10 में हमने 5 का डिवाइड दिया 2, 10 और 2 मिला के हो गया 12, और 50 और 12 मिला के कितना हो गया, 62, तो 62 नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, सेम वही पैटर्न है, 1500 तक की सीरीज चल रही है, तो स्टेप्स कितने बनेंगे, 150 स्टेप्स बनेंगे, 150 टाइम्स ही 10 की पावर 150 टाइम्स कॉमन चला गया आएगा, तो 150 जीरो तो ये हो गए। अब 150 में हम क्या करेंगे, 5 का डिवाइड देंगे, तो हमारा 30 टाइम्स गया, फिर 5 का डिवाइड दिया 6 टाइम्स गया, फिर 5 का डिवाइड दिया 1 टाइम्स गया, तो 30 और 6 और 1 मिला के कितना हो गया, 36 और 1 37, और 150 पहले के थे तो 187, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 187 जीरो, 150, 36 और 1 ऐड करके हो गया 187 जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है, इसी तरह से सीरीज चल रही है 10,000 तक, ठीक है। तो इसमें वही काम करना है, 100 की पावर 1, 100 की पावर 2, 100 की पावर 3, वही सेम 100 स्टेप्स बनेंगे, आपको पता ही है, ठीक है। तो 100 स्टेप्स बनेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि 100 की पावर 100 कॉमन चला गया, ठीक है, 100 की पावर 100 कॉमन चला गया, हाँ 100 की पावर 100 हमारा कॉमन चला गया, क्योंकि स्टेप्स हमारे कितने बनेंगे, 100 स्टेप्स बन गए, तो हमने 100 की पावर 100 तो कॉमन ले लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, इस वाले 100 को देखो, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, 10 की पावर 2, और 100 पहले से ऊपर चल ही रहा था, तो 10 की पावर 2 तो हो ही गया और 100 हो गया, तो 200 हो गया, तो 10 की पावर 200 हो गया, तो 10 की पावर 200 से नंबर ऑफ जीरो में कितने मिलेंगे, 200 जीरो मिलेंगे, ये बात क्लियर हुई। अब स्टेप्स हमारे कितने बन रहे हैं, 100, एक से लेके 100 तक सीरीज जा रही है, और एक से लेके 100 तक जो सीरीज जाती है उसमें हमें 24 जीरो मिलती हैं, ये आपको पता अच्छे से, ठीक है। तो 200 और 24 तो मिला के कितना हो गया, 224 नंबर ऑफ जीरो, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही लगभग नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और 1 लाख तक ये सीरीज जा रही है, ठीक है। तो 1000 हम कॉमन लेंगे सभी में से, तो हमारे स्टेप्स कितने बनेंगे, आपके 100 स्टेप्स बनेंगे, देखो 1000 मल्टीपल बाय 100, 100 स्टेप्स बनेंगे, तो 1000 की पावर 100 कॉमन आ गया। अब इस 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3,
10 की पावर 3 तो ये हो गया, ठीक है, और 100 पहले से चला ही आ रहा तो 300 हो जाएगा, तो 10 की पावर 300 हो गया, ठीक है, और 10 की पावर 300 से हमें 300 जीरो मिल गए, क्लियर। और 100 और बचा रहेगा, 1 से लेकर 100 तक की सीरीज और रहेगी, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो हमें मिलते हैं भाई, हमें आपको याद ही हो गया वो 24, ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरो मिलते हैं 24, तो टोटल वैल्यू हो गई 300 और 24 मिला कितना होगा 324, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो हमें कितने मिले 324, ठीक है। मैं सोचता हूँ ये लास्ट ही होगा, हाँ नहीं, लास्ट ही क्वेश्चन था हमारी क्लास का आज का, ठीक है। तो आप सभी से मैं फिर से कहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ एक बात और कहूंगा कि आपको किस चीज की वीडियो और चाहिए, मतलब जैसे कि मैं मैथ का सेशन शुरू किया है मैंने, ठीक है, तो मैथ के अलावा जैसे कि आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए मुझे कि आपको यूपी टेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या फिर यूपी टेट में भी आपके टॉपिक्स हैं जैसे ईवीएस है, ठीक है, मैथ है, ठीक है, या फिर आपका साइकोलॉजी है, ठीक है, इंग्लिश है, तो आपको जिससे भी वीडियो रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, ठीक है। और आपसे फिर से कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें मुझे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, क्योंकि काम करने में भी मज़ा जब ही आएगा कि आप लोग मुझे मेरे काम की प्रशंसा करें, ठीक है। तो बस इतना ही कहना है आपसे, फिर से कहूँगा प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, धन्यवाद, बाय बाय।